सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। सर माय नेम इज अमित गुप्ता एंड सर आई एम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड एंड आई रिसाइड एट कोलकाता। आपका हॉबी क्या है मुझे बताइए। सर माय हॉबी इज टू राइट पोएम्स शायरी सॉन्ग्स। आप एग्जैक्टली रहते कहाँ पे। मैं सर कोलकाता के बड़े बाजार में रहता हूँ। किस किस सिचुएशन में आपको स्टैंपिंग ज्यादा होती है। ये अगर मैं बाहर के लोगों से अगर ज्यादा मिलता हूँ तब उस टाइम में होता है, और ऑफिस में किसी सीनियर से अगर बात करता हूँ तब उस टाइम में स्टैमर होता है मुझे, और मैं फोन पे थोड़े ज्यादा स्टैमर करता हूँ मैं। और हाँ, और वो पब्लिक स्पीच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। वो मैं एक्चुअली ये बात मैं सोच रहा था सर करीबन आधे घंटे पहले से ही कि सर वसीम सर इज द पर्सन ये जिसके सामने मैं खुल के स्टैमर कर सकता हूँ। बिल्कुल। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई एमकॉम तक हुई है और मैं कोटक महिंद्रा बैंक में काम करता हूँ, और मेरे परिवार में कुल 7 लोग हैं। मैं, मेरी मॉम डैड और मेरी 4 सिस्टर, और मुझे गाना, कविता और शायरी लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और मैं पहाड़ी क्षेत्रों पे मतलब मैं हिल स्टेशन पे घूमना बहुत पसंद करता हूँ। और मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट को जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ, और मेरी अभी तक वीकनेस थी मेरी स्टैमरिंग प्रॉब्लम। और मेरी मोटिव है, मेरा मोटो जो लाइफ की है वो है डू इट और लर्न टू डू इट। स्टैमरिंग एक्सपीरियंस कर, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल। क्या मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो अभी आप अपना एक्सपीरियंस का जर्नी के बारे में, मतलब स्टैमरिंग का जो एक्सपीरियंस है जिसको आपने ओवरकम किया काफी हद तक, कब आपने स्टार्ट किया और कैसा लग रहा है, और इसको अगर मैं पब्लिश करता हूँ तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए अगर वो स्टैमरिंग को ओवरकम करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपने क्या चीज अप्लाई किया, वो चीज बस शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखा। प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आराम से। कोई मैं सर को 28 मई को ज्वाइन किया था, लेकिन ज्वाइन करने के पहले मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा स्टैमरिंग करता था, और मैं कई कई जगहों पर मतलब ऐसी ऐसे जगहों पर स्टैमरिंग करता था कि वहां पे स्टैमरिंग करके मैंने अपनी लाइफ जैसे कि हेल कर ली थी। जैसे कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह में स्टैमर बहुत ज्यादा ही करता था, मतलब ना के बराबर मैं बोल पाता था, और मैं कई सारे बैंक्स में भी इंटरव्यू के लिए गया था। मैं बैंक्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वहां पे मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, बट मैंने वो अपॉर्चुनिटी अपने स्टैमरिंग के कारण गवा दी। लेकिन अब बात आती है 28 मई की, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मैंने वसीम सर को ज्वाइन किया स्टैमरिंग क्लास। मुझे पहले डाउट था कि क्या स्टैमरिंग को ओवरकम कर पाऊंगा, क्या मैं ठीक से बोल पाऊंगा,
क्या मेरी शादी हो पाएगी, क्या मेरी जॉब अच्छी जगह लग पाएगी। मैं सोचता था बहुत, बट बोलते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है ना देर। सेम चीज मेरे साथ हुआ है। मेरी लाइफ बहुत हद तक खराब चल रही थी, बट 28 मई के बाद 360 डिग्री चेंज हुई। मैंने सर को ज्वाइन किया, सर ने मेरा स्टैमरिंग, मेरा इंट्रोडक्शन सर ने लिया था। इंट्रोडक्शन लेते टाइम मैं थोड़ा स्टैमर कर रहा था और सर मेरी स्टैमरिंग को जांच करके सर ने बोला था कि आपके स्टैमरिंग 10 डेज में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो आज दिन में एक यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, शायद मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। 10 दिन में इम्प्रूवमेंट होगा, खत्म नहीं। जी, इम्प्रूवमेंट होता है। 3 महीना का कोर्स है, चलेगा। 3 महीना तक आपको मेरे टच में रहना पड़ेगा। 10 दिन का गाइड है, मतलब ये मैं इसलिए करेक्ट कर दिया ताकि लोगों को ये ना लगे कि नहीं 10 दिन में खत्म होने की, खत्म करने के मैं कोई कमिटमेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, 10 दिन में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर अच्छे से मेहनत किया जाए। सर ने मुझे बोला था, सॉरी मैं इसके पहले एक वो बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा 10 दिनों के अंदर, ऐसा सर ने बोला था। सर ने बोला था कि आपका इम्प्रूवमेंट 10 दिन में अच्छी खासी हो जाएगी। तो आज 9वां दिन है और मैं आज देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल स्टैमर नहीं कर रहा हूँ। मैं 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करता हूँ सर के बताए गए टेक्निक की, और मैं अपने कई सारे स्टैमरर भाई या बहनों को ये बोलना चाहूंगा कि स्टैमरिंग इज अ क्यूरेबल, स्टैमरिंग एक क्यूरेबल बैड हैबिट्स है। इट्स नॉट अ डिजीज कि आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे या इसे आप दवाई खाकर ठीक कर पाएंगे, इसे आप प्रैक्टिस से ही ठीक कर पाएंगे। और मैंने स्टैमरिंग के लिए 9 दिन अभी तक मैंने लड़े हैं और वो लड़ाई मेरी काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। That's it. बहुत बढ़िया। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब अगर आप ये 3 महीना अच्छे से अगर आप मेरे साथ देंगे तो क्या लग रहा है? जो भी थोड़ा बहुत स्टैमरिंग है अभी, आपको स्टैमरिंग तो है थोड़ा बहुत, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी। बिल्कुल सर, एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये 3 महीना, आने वाले 3 महीना अगर मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करूं, तो मैं स्टैमरिंग को 99.99% हरा सकता हूं। और वो जो मैंने 0.01% छोड़ दिया है, उसका तो डिटॉल भी गारंटी नहीं देता। मैं तो इंसान ही हूँ। बिल्कुल। और आप लोग भी ओवरकम कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे इस वीडियो को, मैं उन लोगों को मेरे तरफ से एक चीज कहना चाहूंगा कि स्टैमरिंग समय लगता है इसको ओवरकम करने में, वक्त लगता है, वक्त लगेगा। तो जैसे कि अमित जी को आप लोग देख पा रहे हैं कि इन्होंने 8 दिन बहुत अच्छे से मेहनत किया, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। मैंने काफी सारे वीडियो में मैंने टिप्स भी दे रखा है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, लेकिन हाँ आप उसमें ना आप ये टारगेट ना बनाएं कि मुझे 8 दिन देना है, मुझे 10 दिन देना है, क्योंकि उसमें आपको वक्त लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पे आप गलती करेंगे, आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। 2-3 महीना आपको अच्छे से देना है, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। 6 महीना, साल भर, जितना टाइम लगे आपको देना है। अगर आप अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। अमित जी को भी इसको ओवरकम करने के लिए, फुल्ली खत्म करने के लिए टाइम लगेगा। 3 महीने का कोर्स होता है, 8 दिन ही हुए हैं, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बाकी पूरी लाइफ विदाउट स्टैमरिंग आप बिता पाएंगे। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है। थैंक यू सर। लेकिन मेरी इतने बिजी शेड्यूल रहते हुए भी मैं 3 आवर्स कैसे निकालता हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बहुत बढ़िया। कुछ कहते ना, कुछ पाने के लिए
होना नहीं, करना पड़ता है पहले। जी सर। पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना पड़ता है वो तो खोने से ही नहीं मिलता, मैं पहले करना पड़ता है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये माइंडसेट सर मेरा करना पड़ेगा। सर मेरा एक फ्रेंड मिस्टर सॉरी सीएस सोनू घोष जी वो बोला करते हैं कि घर बनाने में टाइम नहीं लगता अमित, महल बनाने में टाइम लगता है। तो बहुत पुरानी हैबिट है ये, अभी आपकी एज 28 है राइट? 29 सर। 29 बचपन से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी। जी सर बचपन से थी सर। तो ये काफी पुरानी प्रॉब्लम है, ये 10 दिन में खत्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। आज कहीं ना कहीं 10 दिन में आप अच्छे से अपनी बात को लोगों के सामने रख पा रहे हैं कि आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और सर आज भी मैं अगर पूरे दिन अगर बोलता हूँ तो आज भी कहीं ना कहीं मैं 5 वर्ड्स में मैं अटक ही जाता हूँ आज भी। तो जब आपके 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आप स्टैमरिंग को खत्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कहने का मतलब फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि 100% फिर भी नहीं बोल रहा मैं। मैं खुद को भी 100% क्योर्ड नहीं मानता, फिर मैं 100% क्योर्ड मान लूंगा तो शायद मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा, शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि नहीं मैंने स्टैमरिंग को खत्म कर लिया। सर आपने एक दिन मुझे पूछा था आपको कितना परसेंट आपको लग रहा है, मैंने उस दिन आपको कम बताया था और मैंने उसका रीजन भी बताया था कि मैं अपने आपको कम इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन और अच्छा परफॉर्म कर। बहुत बढ़िया, बाकी जो जो प्रैक्टिस है दिया गया है आपको, जो जो चीजें ध्यान देने के लिए बोला गया है, पीएसपी फॉर्मूला, जो माइंड का जो वेव है, अल्फा स्टेट, वो सारी चीजों को ध्यान रखना है। बात करने से पहले जो जो आपका तैयारी है वो आपको करना है, 2 सेकंड के अंदर वो सारी चीजें ध्यान रखना है।